हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के 1 अक्टूबर के हुए दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है और 7 और 15 अक्टूबर को जो कुल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले थे उन 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यानी कि 7 और 15 अक्टूबर की डेट में जो एग्ज़ाम होने वाले थे अब वो एग्ज़ाम 7 और 15 अक्टूबर की डेट में नहीं लिए जाएंगे। तो इसके बारे में जानने वाले कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अब किस डेट के बाद हो सकते हैं। साथ ही आप सभी को बताएं कि बिहार SSC इंटर लेवल और बिहार दरोगा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 या जनवरी 2023 में होने वाले थे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रद्द होने के कारण इस एग्जाम पर इसका क्या असर होने वाला है, इसके रिलेटेड भी आप सभी को सारी जानकारी मिलने वाली, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 1 अक्टूबर को दोनों शिफ्ट में हुआ था उन दोनों शिफ्ट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और 7 और 15 अक्टूबर को जो कुल 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले थे इन 4 शिफ्ट के एग्जाम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगर बात करें अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब हो सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी आज के न्यूज़पेपर में दी गई है। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि कहा गया कि सिपाही पेपर लीक मामला 7 और 15 अक्टूबर की परीक्षा के लिए भी हो गई थी सेटिंग। हर परीक्षार्थी से 15 लाख में किया गया था सौदा, 2 लाख लिए थे एडवांस, 10 गिरोह ने करोड़ों का खेल किया। तो इसी हेडलाइंस में आप सभी देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया 2023 तक टलने के आसार, दरोगा बहाली पर भी संशय। इसमें आगे कहा है कि 21,391 सिपाही की बहाली होनी थी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, रिजल्ट निकालने के बाद नवंबर में फिजिकल लेने की पर्षद ने तैयारी की थी। 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द हो गई, जबकि 7 और 15 अक्टूबर के स्थगित होने से परीक्षा लेने से लेकर बहाली की प्रक्रिया 2024 तक टलने के आसार है। इसके साथ ही दरोगा बहाली पर भी संशय गहरा गया है। 1275 पदों के लिए 5 नवंबर तक दरोगा बहाली के लिए आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। सिपाही भर्ती के बाद दरोगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती कम्प्लीट करने के लिए लक्ष्य रखा गया था कि 15 अक्टूबर तक इसके एग्जाम ले लिए जाएंगे। अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद नवंबर लास्ट में फिजिकल टेस्ट ले लिए जाएंगे, उसके बाद दिसंबर लास्ट तक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो एग्जाम रद्द और स्थगित होने के कारण ये सभी शेड्यूल बिगड़ चुके हैं। यानी कि दिसंबर 2023 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीट होने का ना के बराबर चांस है। अब फरवरी 2024 या मार्च 2024 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने का चांस है। तो फरवरी 2024 या मार्च 2024 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। अगर बात करें एग्जाम कब हो सकते हैं, तो एग्जाम आप सभी का दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली के बीच या छठ के बाद ही हो सकते हैं। दुर्गा पूजा या दीपावली के बीच या छठ के बाद ही आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या छठ के बाद, ज़्यादा चांस है कि छठ के बाद ही आप सभी का अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, यानी कि 20 नवंबर के बाद ही आप सभी का अब बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो सकते हैं। और आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा और बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और इन दोनों एग्जामों के लिए लक्ष्य रखा गया था कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में इनके प्री एग्जाम ले लिए जाएंगे। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम रद्द होने के कारण आप सभी को पता है कि तीनों एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, बिहार दरोगा का एग्जाम और बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल का एग्जाम, ये तीनों एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। इसलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रद्द होने के कारण इन दोनों एग्जामों पर, यानी कि बिहार दरोगा का एग्जाम और बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल के एग्जाम पर इनका असर पड़ने वाला है। यानी कि दिसंबर 2023 में इनके प्री एग्जाम होने का अब कम ही चांस है, बहुत कम चांस है कि बिहार दरोगा का प्री एग्जाम और बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल के प्री एग्जाम दिसंबर 2023 में हो सकते हैं। तो अभी एग्जाम 2024 में ही लिए जाएंगे, 2024 जनवरी फरवरी में ही ये दोनों एग्जाम हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिहार दरोगा, बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिलेटेड जैसे हैं कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।